हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश जी की जो सबसे फेवरेट मिठाई होती है, जो सबसे पहले उनको भोग लगाया जाता है, वो होता है लड्डू। तो आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंटली बन जाने वाले बेसन के लड्डू। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच और उसे मैंने मेल्ट कर लिया है और बेसन मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम। तो मोटा दानेदार बेसन मैंने यहाँ पे लिया है, आप चाहो तो बारीक भी ले सकते हो, बट दानेदार बेसन से जो लड्डू हैं हमारे बहुत ही अच्छे दानेदार बनेंगे। तो ये बेसन जो है वो मैंने 200 ग्राम बेसन इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हमें अच्छे से सेकना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे सेकना है क्योंकि अगर हम फ्लेम ज्यादा तेज रखेंगे तो बेसन ब्राउन तो हो जाएगा लेकिन वो बहुत अच्छा उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो हमें लो फ्लेम पे इसे कम से कम भी 10 से 15 मिनट हमें सिकने में लगेंगे, जब तक कि हमारा बेसन जो है वो ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए एक बार जो है बेसन में इस तरह से झाग से आएंगे, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल इसी तरह सेकते रहना है। ये देखिए हमारा बेसन जो है कलर चेंज हो गया है, ब्राउनिश हो गया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मावा। तो मावा भी मैंने 200 ग्राम ही लिया है, जितना बेसन उतना ही मावा मैंने लिया है। और ये मावा मैंने घर पे बनाया है और इसकी रेसिपी अगर आप चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, मेरे चैनल पे विजिट करके आप ले सकते हो या फिर वीडियो के एंड में भी इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो ये भी हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं मावा को भी, और हमें 5 से 7 मिनट और इसे कुक करना है अच्छे से मिक्स करते हुए, ताकि दोनों बिल्कुल एक समान अच्छे से मिक्स हो जाए बेसन और मावा। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं चीनी की का पाउडर डालूंगी, यानी कि पाउडर शुगर डालूंगी। तो यहाँ पे चीनी, पिसी हुई चीनी मैंने लगभग 4 से 5 बड़ी चम्मच ली है। तो ये चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या बेसी ले सकते हो। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम चीनी मिला रहे हैं तो हमें गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है। तो बस ये चीनी जो है मिक्स हो जाएगी अच्छे से और इसे हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है ताकि हम लड्डू जो है वो आसानी से बना सकें। देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसे हम आसानी से हाथ में ले पा रहे हैं, इसलिए हमें इसके लड्डू बना लेने हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा इसे हमें नहीं करना है वरना लड्डू बनाने में हमें बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने लड्डू इसके बना लिए हैं, बिल्कुल गोल गोल हमें शेप दे देना है इसका। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास झट से पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।